सुरेंद्र यादव सीजी संदेश से आज हमारे साथ संसदीय सचिव एवं खिलाड़ी विधायक। आज हम कुछ सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। विधायक की सबसे पहला सवाल तो यह है कि विधायक से पहले आप एक जनता उपाध्यक्ष थे, फिर इतनी बड़ी क्षेत्र की जनता ने आपको विधायक चुना है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जनपद उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। उसके पहले मैं 20 से 25 साल संगठन में काम किया हूँ और इतनी बड़ी क्षेत्र की जनता मुझे खिलाड़ी का विधायक भारी बहुमत से देता है। पहले तो मुझे पार्टी में अधिकृत थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते खिलाड़ी की जनता कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास की है। कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय भूपेंद्र भैया जी, उन घोषणा पत्र को हम जनता के बीच लेके गए थे, उस पर विश्वास किए हैं और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किए। इस जीत का महत्वपूर्ण बात यही है। विधायक जी, संसदीय सचिव पद पर आपका शिक्षा विभाग एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। कोरोना काल के चलते प्रदेश में पूरी तरह स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, आखिर कब तक स्कूल खोलने की रणनीति बनेगी? देखिए, उस क्षेत्र में काम हो रहे हैं, जैसे कोरोना संकट नॉर्मल हो रहा है और निकट भविष्य में टीकाकरण का भी बहुत कुछ संभावना है कि टीकाकरण भी जल्द बहुत भारी संख्या में होगी और जैसे ही परिस्थिति सामान्य दिखेगी शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा। और इस आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आगामी 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग में व्यापक पैमाने पर फेरबदल हो रहे हैं और जो देश में अच्छे से अच्छे शिक्षा व्यवस्था है वो छत्तीसगढ़ में होगी, जिसकी शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंग्लिश स्कूल का प्रारंभ किया है, इंग्लिश मॉडल स्कूल, जिसके भी समुचे लाभ छत्तीसगढ़ में मिलेगा। इस वर्ष से कुछ कम संख्या में है, आगामी वर्षों में व्यापक रूप से छत्तीसगढ़ के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम के सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करेंगे। आपके विधायक बनने से क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगात मिली है, इस विकास कार्य को आप किस दृष्टि से देखते हैं? विकास कार्य की शुरुआत तो समूचे छत्तीसगढ़ में और खल्लारी विधानसभा में जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री शपथ लिए और 2 घंटे के अंदर ही विकास हुए। 1 एकड़ के किसान का 15,000 कर्जा माफ और 100 एकड़ के किसान का 15 लाख रुपया कर्जा माफ, किसान का विकास हुआ है। उसके बाद 25 रुपये में धान खरीदी की गई, लेकिन केंद्र सरकार के आपत्ति होने की वजह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राजीव गांधी न्याय योजना में 1 एकड़ के किसान को 10,000 का उनकी आर्थिक स्थिति की प्रगति के लिए, किसान की आर्थिक प्रगति हो, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, इसके लिए 10,000 रुपया 1 एकड़ और 100 एकड़ के किसान को 10 लाख रुपया दे रहे हैं। और जिसकी परिणाम है कि इस कोरोना संकट में भी पूरे देश में अगर किसी प्रदेश में आर्थिक मंदी कम आई है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र की सरकार कोरोना संकट में अपने सांसदों के भी निधि को 2 साल के लिए खत्म कर दिया है, 2 साल उनको सांसद विकास निधि नहीं दे रही है। एक तरफ छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री की कुशल नेतृत्व और उनकी रणनीति का परिणाम है कि कोरोना संकट में भी राजीव गांधी न्याय योजना में किसानों के खाते में राशि डाली गई है और उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में व्यापार भी काफ़ी प्रगति की है और निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ देश में उदाहरण होगा और जिन राज्यों को विकास करना होगा वो छत्तीसगढ़ को निश्चित रूप से देखने आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज केंद्र सरकार जो काले कानून लाए हैं, कई लाखों की संख्या में किसान दिल्ली राजधानी के बाहर बैठे हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की मॉडल को अगर कानून का स्वरूप देते हैं, राजीव गांधी न्याय योजना में अगर 10,000 रुपये देने की कानून पारित करते हैं और देते हैं, तो मैं सोचता हूँ 1 मिनट के अंदर किसान आंदोलन खत्म हो जाएगी और पूरे देश के किसान वैसे ही हंसते दिखेंगे जैसे छत्तीसगढ़ के किसान आज हंस रहे हैं और छत्तीसगढ़ की प्रगति। विधायक जी, अभी आप हाल ही में
असम दौरे से आए हैं, वहाँ किस तरह की चुनाव रणनीति बनाई गई है? रणनीति तो पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ के प्रभारी हैं, वहाँ के वरिष्ठ बनाएंगे, लेकिन वहाँ जनता कांग्रेस के पक्ष में है। जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले ही जनता कांग्रेस के साथ दिख रही थी, मतदाताओं का झुकाव जो है कांग्रेस की तरफ छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले ही दिख रही थी, वैसे ही महासम पर है। और वहाँ निश्चित रूप से आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और जिस विश्वास के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को प्रभारी बनाया गया है, तो वहाँ पर परिणाम आएगा और ऐसे ही परिणाम आएगा जैसे 15 साल के सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य रहा है, तो 15 साल के शासनकाल में 15 सीट। छत्तीसगढ़ संदेश में बोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।